तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं जितने भी यहाँ पर मूवीज होते हैं, इंग्लिश मूवी या फिर हिंदी मूवी। तो यदि आप चाहते हैं हिंदी मूवी को यहाँ पर इंग्लिश में देखना या फिर इंग्लिश मूवी को यहाँ पर हिंदी में देखना, और आपको यहाँ पर इंटरनेट पर सर्च कर करके यहाँ पर थक गए हैं, और ऐसा ऐप चाहिए जिसका यूज करने के बाद आप बहुत ही आसानी से किसी भी मूवी को जिस भी लैंग्वेज में यदि चाहते हैं तो यहाँ पर कन्वर्ट कर सकें, तो सिंपली आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो सिंपली आप देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जितनी भी मूवीज बनती है अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में बनती है, जैसे कि हिंदी मूवी हिंदी में बनती है और इंग्लिश मूवी इंग्लिश में बनती है, और इसके अलावा जो कि तेलुगु है, मलयालम और जितने भी यहाँ पर लैंग्वेज है, सभी मूवी अपने अपने लैंग्वेज में बनती है, और यहाँ पर उसको डब करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो यदि कोई हिंदी का मूवी है उसे इंग्लिश में डब करना है तभी यहाँ पर काफ़ी समय लग जाता है, और इसके अलावा यहाँ पर मान लीजिए कोई तेलुगु का मूवी है और उसे हिंदी में यहाँ पर डब किया जाता है तभी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। वो मूवी जब रिलीज हुआ था वह गुम हुआ था और उसे हिंदी में यहाँ पर डबिंग होने में साल भर से ऊपर लग जाता है या फिर 6 महीने लग जाता है। तो ऐसे जितने भी मूवी होते हैं वह हिंदी में डब किए जाते हैं तब जाके आपको हिंदी वर्जन देखने को मिलता है। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी यहाँ पर इंग्लिश मूवी है या फिर तेलुगु मूवी है उसे आप हिंदी में तुरंत, यहाँ पर ऐसा कोई ऐप है जिसकी वजह से आप बहुत ही आसानी से उसे चेंज कर लें, यहाँ पर कन्वर्ट कर लें आप जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पर बता दें आप किस तरह से यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब कभी भी किसी भी मूवी को डाउनलोड करने जाते हैं तो वह मान लीजिए वह अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में है, वह हिंदी में है या फिर तेलुगु में या फिर इंग्लिश में है, तो सिंपली यदि उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जब यदि यहाँ पर उसका डबिंग वर्जन रहेगा तभी आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यदि चाहते हैं कि वह यहाँ पर डबिंग उसका नहीं हुआ है और उसे आप हिंदी में देख लें, तो इसके अलावा एक और चांस है जो कि अनऑफिशियल डबिंग होता है उसको आप यूज करके हिंदी में देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि यहाँ पर डबिंग बना हुआ तो यदि इंग्लिश में आप उसे लोड कर दिए तो हिंदी में लोड करना चाहते हैं और उसका आप जान रहे हैं कि हिंदी में आपने कभी ना कभी उस मूवी को देखा था और उसका डबिंग अवेलेबल है, तो सिंपली एक वेबसाइट है ट्रैक आइडियो करके, और यहां पर आप जिस भी मूवी को जिस भी लैंग्वेज में यदि डबिंग रहेगा तो ऑफिशियल ओरिजिनल आइडियो आपको मिल जाएगा, और यहाँ से ले जा करके आप अपने मैक्स प्लेयर में, VLC में या फिर जितने भी वीडियो प्लेयर होते हैं वहाँ पर अटैच करके बहुत ही आसानी से यहाँ पर यूज़ करके हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सोचते हैं कि कोई ऐसा ऐप मिल जाए जिसका यूज़ करने के बाद आप 1 मिनट के अंदर किसी भी मूवी को जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर लें, मान लीजिए यहाँ पर इंग्लिश का मूवी है उसे हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पर इंग्लिश का मूवी यहाँ पर जो कि फाइल है उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसका हिंदी वर्जन मिल जाएगा। ऐसा अभी तक कोई भी ऐप नहीं बना जिसके माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसमें अलग अलग कैरेक्टर होता है, अलग अलग लैंग्वेज होती है और सबकी वॉइस अलग अलग होती है, इसीलिए यहाँ पर जो कि ऐप है इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। मान लीजिए ऐसा ऐप भी बनता है तो इतना अच्छी तरीके से आपको आइडियो क्वालिटी नहीं मिलेगी जैसा कि यहाँ पर डबिंग में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो AI होता है हर एक कैरेक्टर को यहाँ पर अपने अपने जो कि आवाज़ होती है वह अलग अलग होती है, तो सभी को आवाज़ अलग अलग नहीं दे सकता है, वह अपना जो कि सेम आवाज में सभी को यहाँ पर डबिंग कर देगा, और जिसकी वजह से आपको आइडियो में कोई भी फीलिंग नहीं आएगी, सभी का आइडियो सेम जैसा लगेगा। तो इसीलिए अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐप ऐसा नहीं बना जिसका यूज करने के बाद आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी मूवी या फिर इंग्लिश मूवी को हिंदी में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सके। तो हमें उम्मीद है आप जान गए होंगे, आज के बाद आप यहाँ पर कभी भी ऐसे ऐप यहाँ पर सर्च नहीं करेंगे। यदि ऐसा ऐप कभी भी बनता है तो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसकी वजह से आपको यहाँ पर यदि कोई नोटिफिकेशन या फिर ऐसा यहाँ पर खबर आती है या फिर कोई ऐप डेवलप होता है तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस तरह से यहाँ पर किसी भी इंग्लिश मूवी को हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे कोई भी मूवी आप यहाँ पर हिंदी में यदि मान लीजिए डबिंग है तो देख सकते हैं, और इसके अलावा यदि डबिंग नहीं है तो अनऑफिशियल डब यहाँ पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।